हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं केपी संत आप सभी का नई वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं ये बंगेल का जो एलिवेटेड रोड बनाई जा रही है, देख सकते हो ये फ्लाईओवर बनाया जा रहा है एलिवेटेड, और ये 60 किलोमीटर का ये होने वाला है दोस्तों फ्लाईओवर। ये 60 किलोमीटर लंबा है, तस्वीर आप लोग देख सकते हो तस्वीर है। और जो कंपनी यहां पर वर्क कर रही है वो है एडिशन कंपनी द्वारा ये इसको बनाया जा रहा है दोस्तों। और आपको बता दूं कि इसके देख सकते हैं ये पिलर कैप बनके बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं, और इस पर अभी बस गटर लॉन्चिंग की जा रही है, और गटर लॉन्चिंग हो जाने के बाद में इस पर फ्लोरिंग का काम चल रहा है। तो अभी आपको बता दूं कि इसको बनने में दोस्तों करीब 2025 तक ही ये बन पाएगा, उससे पहले तो ये नहीं बन पाएगा। तस्वीरें देख सकते हो आप लोग, तस्वीरें देखो, ये गाटर आ रहे हैं इस तरीके से उठ उठ के, और ये गाटर लॉन्चिंग की जा रही है यहाँ पे। तो मशीन द्वारा किस तरीके से गाटर लॉन्चिंग की जाती है वो आप लोग अपनी आँखों से देख सकते हो दोस्तों। देखो, और ये जो जगह है ये है भंगेल, ये भंगेल में ही बनाया जा रहा है इतना लंबा चौड़ा ये फ्लाईओवर, 60 किलोमीटर लंबा दोस्तों। तो अभी इस पर गाटर लॉन्चिंग की जा रही है इस टाइम पे, देख सकते हो हर जगह आपको मशीनें देखने के लिए मिलेंगी। तो यही वर्क चल रहा है इसमें दोनों साइड में, और ये जो बन के कम्प्लीट होगा ये होगा सन 2025 में। तो अभी इसमें इतना टाइम लग जाएगा, देखो हर जगह इसमें गाटर लॉन्चिंग होती हुई आप लोगों को दिखाई देगी दोस्तों। और ये जहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ ये A1 ग्रेटर नोएडा जाके ख़त्म होगा, तो जो कंपनी कर रही है वो है एडिशन। देखो कुछ इस तरीके से ये गाटर लॉन्चिंग की जा रही है इस पर। और आपको दिखाते हैं एंड तक कि यहाँ पर कितना कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका है, कहाँ कहाँ वर्क चल रहा है, क्या क्या चल रहा है वो आप लोग आगे दिखाएंगे आप लोगों को। तो देख सकते हैं हर जगह आप लोगों को ये क्रेन मशीन देखने के लिए मिलेगी। इधर तो फ्लोरिंग इन्होंने कर दिया है, तो 60 किलोमीटर लंबा ये पार्ट है। तो इसको आगे तक दिखाते हैं, इधर तो देखो फ्लोरिंग हो चुका है इसमें,
कंप्लीट सही कर दिया है। अभी आपको पीछे और चल के दिखाएंगे, तो पहले आगे का पार्ट दिखा देते कि आगे कितना कंप्लीट हो चुका है, कितना बन गया है वो आप लोग देखो चल के, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम का सामना करना पड़ता था पब्लिक को, तो इसी वजह से ये एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाया गया है जो कि 60 किलोमीटर का होने वाला है दोस्तों। तो देखो ये क्रेन मशीन आ रही है कुछ इस तरीके से, ये ला रहे हैं उठा उठा के। देखो ये ले जा रही है, तो आप लोगों को आगे पूरा दिखा देते हैं कहाँ से ये स्टार्ट होता है, कहाँ जाके ख़त्म होता है, पूरा 60 किलोमीटर का सेक्शन है ये पूरा दोस्तों। तो अभी आपको उधर भी दिखाएंगे चल के, क्योंकि यहाँ टूटी फाटी रोड है कि इस पर ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो इस वजह से है ही। और ये सन 2025 में बन के ये कंप्लीट हो पाएगा दोस्तों। और आप लोग सेक्टर देख सकते हो कि कौन कौन से सेक्टर इस पर पड़ रहे हैं इस टाइम पे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखा दिया जाए, कि मैंने पिछली बार भी आपको दिखाया था तो रोड इन्होंने बंद कर रखा था, तो इस वजह से मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया था। तो आप लोग बताना कि वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो। देखो इस पर लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर ये उतर जाता है दोस्तों, इसका वो उधर का रैंप है, तो अभी ये बीच में ही बचा हुआ है, ये भी कम्प्लीट हो जाएगा जल्दी बन के। तो ये है, और ये देखो ये भंगेल आ जाता है यहाँ से। अब हम दिखाते हैं आप लोगों को दूसरी साइड का दोस्तों, तो दूसरी साइड का भी आप लोग देख लो। अब ये दूसरी साइड का आ चुके हैं हम, ये देख सकते हो दोस्तों कि कितना ये रोड टूटा टाटा है। और यहाँ पर इन्होंने पहले तो इस पर पाइलिंग की थी, नीचे ज़मीन में होल किए थे, फिर इसके बाद में पिलर खड़े किए गए हैं, उसके बाद में इस पर पियर कैप बनाए गए हैं, पियर कैप बनाने के बाद में इस पर फिर इस पर गाटर लॉन्चिंग करने के बाद में इस पर फ्लोरिंग कर दिया जा चुका है कुछ पार्ट में, कुछ अभी बचा हुआ है। तो इधर की साइड में तो इन्होंने कंप्लीट कर दिया है दोस्तों, आगे का बचा हुआ है, आगे भी आप लोगों को दिखाते हैं, तो बने रहिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। जो जगह है दोस्तों ये है भंगेल, ये भंगेल में ही बनाया जा रहा है एलिवेटेड सेक्शन, क्योंकि यहाँ पर रोड बहुत ज़्यादा टूटी फाटी है, तो अभी इसको टाइम लगेगा। और ये 6 लेन का ये 6 लेन का फ्लाईओवर है दोस्तों, पूरा 6 लेन,
थ्री लेन इस साइड में है, थ्री लेन उस साइड में है, तो ये सिक्स लेन का होने वाला है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ये अभी सेटरिंग लगी हुई है क्योंकि फ्लोरिंग का ही काम चल रहा है, ये उतार भी रहे हैं, तो यही वर्क आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा इस टाइम पे। देखो किस तरीके से इस पे ये गाटर लॉन्चिंग की जा रही है, आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हो दोस्तों। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर लो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो। केपी संत लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों। तो देख सकते हो ये टीम खड़ी हुई है जो इसमें गटर लॉन्चिंग कर रही है। देखो ये मशीनों द्वारा इस तरीके से आते हैं, देखो ये उठाया जाएगा अब गाटर और इस पर लगाया जाएगा, तो यही वर्क चल रहा है इस टाइम पर। अब उधर का भी दिखाते हैं चल के आप सभी को, आप उधर का भी देख लेना। तो सारे इधर आप लोग वो बता दो कि पिलर सारे बन के कम्प्लीट हो चुके हैं, सारे पिलर बना लिए जा चुके हैं दोस्तों। तब चलते हैं दूसरी साइड से, दूसरी साइड से देखते हैं। ये कितना कुछ वर्क हो चुका है कंप्लीट दोस्तों, के सामने तो सूरज पड़ रहा है तो ज़्यादा चमक नहीं रहा है। पूरा ही क्लियर करके दिखाएंगे आप सभी को, तो बने रहिए केपी संत के साथ में ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। ये भंगेल का फ्लाईओवर 60 किलोमीटर लंबा, दूसरी साइड में चलते हैं, उधर भी आप लोगों को दिखाते हैं कि आगे से घूम के आना पड़ेगा। ये सेटिंग लगी हुई है, ये पियर कैप बनाए जा रहे हैं दोस्तों, और जो जगह है ये है भागेल नोएडा। तो आधे पिलर बन के कंप्लीट हो चुके हैं, आधे बचे हैं बाकी, चलते हैं आगे को। यार यार यहाँ जाम भी बहुत लग रहा है, क्या किया जाए। मैं सोच रहा हूँ कि जाम से मुक्ति मिल जाए लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, देखते हैं आगे चल के का हो जाए तो हो ही जाए। ठीक है दोस्तों, बाकी चल तो रहे हैं, निकल जाए तो बढ़िया ही है।
चलते चले जा रहे हैं दोस्तों, रास्ता मिल नहीं रहा है कहीं। अब मिल जाए तभी शांति मिलेगी। देखो अभी सब पे पियर कैप बनाए जाएंगे, आधे पे बन चुके हैं, आधे पे अभी बाकी है। तस्वीरें देख सकते हो कि सामने का सूरज पड़ रहा है दोस्तों, इस वजह से ज़्यादा नहीं चमक रहा है। देख सकते हो आप लोग खुद ही, यहाँ पर शायद ये एंड हो जाता है इसका। और यहाँ पर हम सीएनजी भरवा लेते हैं, शायद सीएनजी भरवा लेते हैं या नहीं भरवा रहे। चलो नहीं भरवा रहे हम। देखो दोस्तों तो यहाँ पर ये नीचे आ गए हैं और यहाँ पर ये इसका बनाया जाएगा रैंप दोस्तों, तो यहाँ पर ये एंड हो जाता है। और ये देखते चल के ये मेट्रो कौन सी है, तो यहाँ पर ये एंड हो जाता है दोस्तों। और जो जगह थी वो थी बघेल, और यहाँ से चलेंगे भाग भाग दोस्तों।